हेलो बच्चों, किड्स कैरी क्लास में फिर से एक बार आपका वेलकम है। किड्स कैरी की मैथ क्लास चल रही है बीमारी, और मैथ में हमारी वर्कशीट पे क्लास चल रही है। तो आज की क्लास है आफ्टर नंबर्स। मैंने इससे पहले क्लास 100 नंबर सिखा दिया आपको। तो बच्चों, आफ्टर नंबर कैसे हम पहचानेंगे, कैसे करना है, चलिए क्लास। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको किड्स कैरी क्लास में पढ़ना अच्छा लगता है, प्लीज़ बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। ना स्टार्ट क्लास करिए आफ्टर नंबर के लिए वेरी सिंपल ट्रिक। आपको इस तरह से एक लाइन बनानी है, ठीक है। इस तरह से लाइन बना लो अपनी कॉपी में, और उसमें 1 से 10 तक की डॉट डालो। स्टार्टिंग 0 से करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम नंबर को लिखना शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी सिंपल ट्रिक, 1 से 10 तक के लिए बिफोर आफ्टर 0 to 10। इतने नंबर का हमने बना लिया। अब हम नंबर ले लेते हैं, कुछ नंबर ले लेते हैं। इसमें से हमने 2 लिया, हमने 4 लिया, हमने 8 लिया, हमने 9 लिया, 7 लिया, 6 लिया। अब इन सब का बिफोर आफ्टर आपको करना है, ओके। चलिए इस बॉक्स में हमें इनके आफ्टर नंबर लिखने हैं। अब देख रहे हो, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर ले लिए। चलो अब हम इसका आफ्टर बनाते हैं। कैसे आफ्टर नंबर पहचानेंगे, बहुत ही इजी ट्रिक है। आप लोग ध्यान से देखना, लाइफ में कभी परेशान नहीं होगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 का आफ्टर, 2 पे हम चलेंगे, ठीक है। जैसे आफ्टर के लिए हम ये वाली लाइन लेंगे, ऐसी वाली लाइन लगाने हैं, ऐसे वाले, मतलब एरो आफ्टर आफ्टर भागता चला जाएगा ऐसे। तो चलो 2 का यहाँ पे लिखा है 2 नंबर, 2 का आफ्टर, चलो एरो लगाते हैं। कौन से नंबर पे एरो आया, 3 नंबर पे। तो 2 का आफ्टर नंबर कौन सा हो गया बच्चों, 3। वेरी सिंपल ट्रिक। उसी तरह से 4, चलो 4 पर से एरो चलता है, कहाँ गया 4 का एरो, 5 पे गया, हमने इसमें 5 ढूंढा। उसी तरह से 8 नंबर हमने ढूंढा, 8 का आफ्टर कौन सा नंबर आया, 9। उसी तरह से 9 पे से एरो चला, कौन सा नंबर आया, 10। 7 पर से एरो चला, कौन से नंबर पे आया, 8 पे। 6 का एरो चल के किस पे आया, 7 पे। 3 का एरो चल के कौन से नंबर पे गया, 4 पे। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल ट्रिक था आफ्टर नंबर सिखाने का आपको बच्चों। और आपसे मैं एक बात और क्लियर करती हूँ, आफ्टर नंबर बच्चों के लिए भी आसान होता है। अब हम आफ्टर नंबर तो आसान था, बट बिफोर नंबर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो चलिए बच्चों, मैं आपको बिफोर नंबर भी आपको सिखाती हूँ। तो बच्चों, हमने बिफोर नंबर के लिए भी वही वाला ट्रिक, आफ्टर नंबर वाला ट्रिक लिया है। बिफोर नंबर्स, एक लाइन खींचिए, और इसमें हमें किस कौन से नंबर से कौन से नंबर का बिफोर करना है। तो चलिए हम 0 से 10 तक आफ्टर किया था, उसी तरह से हम क्या करेंगे, अभी 0 से 10 का बिफोर भी उसी तरह से हम करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा इतना नंबर आ गया। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने आफ्टर सीखा उसी तरह से हम अब बिफोर भी सीखेंगे। तो हम नंबर कुछ नंबर ले लेते हैं जिसका हमें बिफोर करना होगा। बिफोर के लिए पहले हम बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि बिफोर पहले था, बिफोर का मतलब पहले। बच्चों को सिखाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, बच्चे को खेल खेल में सीख भी लेंगे और उन्हें लगेगा हम ड्राइंग कर रहे हैं,
चलिए इतने हमने ले लिए, इसमें हम नंबर ले लेते हैं कुछ नंबर यहाँ पे, 8 7 6 3 9 4 2। अब हम इसका बिफोर करने वाले हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 8 का बिफोर, बिफोर का जैसे आफ्टर का एरो चला था ऐसे ऐसे, अब बिफोर का एरो चलेगा ऐसे ऐसे। बिफोर का एरो आगे जाता है, ये जो एरो का जो है ना ये मार्क्स, ये हो जाएगा बिफोर के लिए, और इधर जो जाएगा ये आफ्टर का हो गया। हमने आफ्टर कर चुन लिए, अब हम बिफोर में करना है, तो मार्क्स एरो का ऐसे चलेगा। हम जैसे मार्क्स लगाते जाएंगे बस जो नंबर आएगा उसको लिखते जाएंगे। अब देख रहे हो आप, 8 लिखा है, 8 का बिफोर क्या होगा, 8 नंबर पे हम चले गए, बस एरो का मार्क लगाएंगे, एरो ऐसे चलेगा। कौन सा नंबर आ गया, 7, हमने 7 फिल कर दिया। उसी तरह से अब दूसरा नंबर 7 है, 7 का आफ्टर, 7 का बिफोर कौन सा होगा, अगला नंबर कौन सा आया, 6। अब 6 आया, 6 का बिफोर कौन सा नंबर आ गया, 5। अब हमारा 3 है, 3 से चलेंगे, 3 का बिफोर किस नंबर पे आया, 2 पे आया। उसी तरह से 9 है, 9 हमने ढूंढ लिया, 9 का एरो चला किस पे आया, 8 पे आया। अब 4 है, 4 से हम चलना शुरू किए, कौन सा नंबर आ गया आगे, जस्ट 3। 2 है, 2 से हमने चलना शुरू किया, कौन सा नंबर आ गया, 1। तो बच्चों इस तरह से बिफोर नंबर हमने बहुत ही ईजी तरीके से आपके लिए ढूंढा है, जो बहुत ही ईजी और आसान है, आप आराम से समझ सकते हो। तो ये हमारा था आफ्टर नंबर और ये हमारा था बिफोर नंबर। आप इसी तरह से और भी आगे की नंबर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर 0 से 10 तक हमने लिया, अब 10 से आप 20 ले सकते हो, 20 से 30 ले सकते हो। उसी तरह से बिफोर के लिए 0 से 10 लिया, उसी जैसे हमने आफ्टर किया वैसे ही हमें बिफोर भी करना है। वेरी इजी, परेशान नहीं होना। मैथ की नेक्स्ट क्लास इससे भी इंटरेस्टिंग होगी, आप लोग अपनी क्लास में बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। बाय बच्चों।